नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बाद अब वक्त हो चला है औरंगाबाद यानी आपसे जुड़ी खबरों का। औरंगाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का मस्जिद के पास रोका, काफिला बरसाए फूल। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल दिखा। चौधरी ने कहा कि हर समुदाय के लोग बीजेपी को चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि 2024 में फिर से बनेगी मोदी जी की सरकार। ताली बजा करके प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करिए। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि बिहार में उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भी रामनवमी होता था, दुर्गा पूजा होता था, सरस्वती पूजा होता था, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल भेजने का काम किया। औरंगाबाद के उपहरा थानेदार आनंद कुमार गुप्ता को पटना से पहुंची निगरानी टीम ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। थानेदार की गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मच गया। गुरुवार सुबह उपहरा थाना क्षेत्र के हामिद नगर गांव निवासी सनोज कुमार से थानेदार आनंद कुमार गुप्ता से 20,000 रुपए रिश्वत ले रहा था। उसी समय निगरानी की टीम ने पैसे लेते हुए उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक लड़की के अपहरण मामले में प्राथमिकी से 3 आरोपियों के नाम हटाने के लिए थानेदार पैसे ले रहे थे। निगरानी टीम ने इसकी जानकारी औरंगाबाद पुलिस को नहीं दी है। निगरानी की टीम उपहरा थाना अध्यक्ष को अरवल ले जाकर पूछताछ कर रही है। औरंगाबाद पुलिस अर्धसैनिक बलों के सहयोग से नक्सलियों के नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया है। मदनपुर थाना क्षेत्र के जंगली इलाके में कई घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां से एक SLR, 102 SLR के एम्बुलेंस एवं 2 मैगजीन बरामद हुआ, जिसे जब्त कर लिया गया है। इस संबंध में SP स्वप्ना मिश्राम ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की अभियान जारी है। किसी भी सूरत में नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए नक्सली खुद को सरेंडर कर दे। जो नक्सली सरेंडर करेंगे उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा, वरना नक्सली पुलिस के कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। दाऊदनगर थाना क्षेत्र के तरार गांव में आपसी विवाद में चचेरे भाई ने भाई को जहर देकर हत्या कर दिया। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस भले ही चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है, लेकिन शराब माफिया अपनी कारगुजारियों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। मामला जिले के ऋषभ थाना द्वारा मद्निषेध अभियान का है। मद्निषेध अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 60 लीटर देसी महुआ शराब जब्त किया गया है। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए शीतयुग न्यूज। कल फिर हम हाजिर होंगे ताजा तरीन खबरों के साथ।